तो भाई काले आसमान में हमारी पतंग देखो कैसी चमक रही है, ये रखा मैंने बाहर का खींचा उसने, बस मैंने अंदर का हल्का जरूर दिखाया, काट दी उसकी पतंग पहली नीचे से। अबे अबे क्या पेच काट दिया मेरे भाई, क्या पेच काटा है, रखा दो थपकी मारी काट दिया देखो ये वाला पेज भी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइट लवर ऑफिशियल। भाई आज मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, उड़ाते हैं पतंगे तंगे दिखाते हैं, बैग में ले आऊँ तो यहाँ पे पतंगे देखो इसे आराम से रखते हैं, इस तरह पतंगे काफ़ी हैं। तो ये तो भाई नीली पतंग है, हाँ काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे ना कि भाई ये पतंग आपको 5 की या 7 की 8 की मिली होगी, तो अगर मैं इसका रेट बताऊंगा ना एक कसम से आप लोग हैरान रह जाओगे पतंग कितने की मिली है। पतंग सिर्फ मुझे भाई 4 रुपये मिली है, हाँ भाई सभी मतलब 4 रुपये की पतंग मिली है मुझे, और पतंग देख सकते हैं यार क्या बढ़िया पतंग है। तो अभी मैं सैंपल के लाया था कि मैं जल्दी और पतंगें लेकर आऊँगा अगर उस दुकान में बची होंगी तो, मुझे नहीं लगता कि इतनी बढ़िया पतंग है, और अगर कोई किसी बंदे ने ली होगी तो उसने दोबारा जरूर ली होगी पतंग आगे, लेकिन अगर पतंग बची होगी उस दुकान में तो दोबारा जरूर लेकर आऊँगा। तो ये कुछ पतंगें नहीं, और आपको दिखाता हूँ और दिखाऊँ तो देखो ये तो नीली हो गई सही आपकी, और इसके बाद यहाँ पे मांगदार, आज कौन सी पतंग लाया यार यहाँ पे देखो आज कौन कौन सी पतंगें दिखा दे रहा हूँ, मांगदार है बढ़िया पतंग है उसके, ये तो नीली आ गई अपनी, और फिर ये आ गए ये दोनों डिजाइन सेम ही आपके, इस डिज़ाइन का कहेंगे जिग जैक वाला डिज़ाइन है, तो ये यहाँ पे जिग जैक वाला डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, मांगदार मिल जाएगा, और नीचे भी पतंगें तो काफ़ी भरी हैं, तिरंगे रंगा रखी है नीचे, और पतंगें लेकर आऊँगा दिखा दूँगा। यहाँ पे एक ये पटियाल है 3 कलर की, ब्लू रेड और यहाँ पे हरी पतंग आ रहा है, काफ़ी पतंग है इसकी कमान देखो यार कैसी चढ़ी है, तो पतंगें काफ़ी हैं, कौन से उड़ाएँ आज, आज ये वाली तो काफ़ी अच्छी है, ये तो बाद में उड़ाएंगे, इन्हें अलग रखते हैं, आज उड़ाते हैं ये आज उड़ाते हैं, ये पतंग बढ़िया लग रही है मुझे, चलो ये वाली पतंग उड़ाते दिखाते हैं आपको, बढ़िया पतंग है उड़ाते दिखाते हैं। और मांझा देखो, मांझा कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, अरे आ जा आराम से, तो मांझा देखो मैं ऊपर ही रख के ले आता हूँ इसमें ताकि भीगे ना, तो ये देखो ये रहा मांझा, बारिश का मौसम हो रहा है, ग्रीन कलर का मांझा रहा, उड़ाते दिखाते टेप वेपिंग कर ले, टेप कहाँ गया यार टेप, ये रहा टेप टेप टेप, तो चलो टेपिंग करते दिखाते हैं आपको। और आप लोग क्या होगा भाई सैलो टेप से क्यों कर रहा है यार, मुझे कोई टेप ही नहीं मिला और पतंगबाजी करने की मुझे जल्दी हो रही थी, मैंने सोचा ये लगाते हैं दिखा देते, वो टेप पता नहीं बताऊँ मेरे रोज़ टेप में भूल जाता हूँ, कभी छत में रह जाता है, कभी मैदान जाता हूँ तो मैदान में मेरा टेप रह जाता है, तो ऐसी टेप टेप में भूल जाता हूँ, तो जल्दी से करते हैं टेपिंग इसमें और फिर आपको लड़ा के दिखाते हैं पतंग आज, आज सबकी पतंग काट देंगे भाई। ये मान जाए आपको पता ही, जब जब मैं यूज़ करता हूँ बहुत पतंगें काटता हूँ, ख़त्म हो गया आरे भूरा का, और चढ़ के लेकर आऊँगा दिखाऊँगा आपको यार, जल्दी दिखाऊँगा काफ़ी चढ़ करके लेकर आऊँगा, सही है टेपिंग हो गई यहाँ पे, अब क्या करते हैं पतंग उड़ाते दिखाते हैं डायरेक्ट आपको, कंधे में बांधता हूँ बैग उड़ा के दिखाता हूँ। तो मौसम आपको काला लग रहा होगा, मौसम काला नहीं है, बारिश का मौसम, कंधे बांध लिए पतंग चेक भी कर लिए, पतंग एकदम मस्त है उड़ने में, चलो डायरेक्ट मांझे से पार करते। और अगर आपके पास टाइम, अब देखो फेस्टिवल के टाइम में तो आप चेक नहीं कर पाओगे पतंग सारी, लेकिन अगर आप वैसे किसी भी दिन उड़ा रहे हो और लंबे पेड़ उड़ा रहे हो तो पतंग चेक करके उड़ाया करो, पतंग आपकी राउंड नहीं होनी चाहिए, मतलब अंदर की हो बाहर की हो चलेगा लेकिन राउंड नहीं होनी चाहिए, तो पतंग हमारी सही है। और मौसम है आप देखो यार कैसा बारिश आने का हो रहा है, आजकल सावन का महीना है तो यार बारिश तो कभी भी आ जाती है, कैसे भी आ जाती है, थोड़ा माल वाल का ध्यान रखना जब भी पतंगबाजी करो, सारा माल छत में मत फैला देना, मैं भी अपना बैग नीचे जाके रखा हूँ ताकि बारिश आए तो हमारी पतंगें बच जाए। चलो उड़ा के दिखाते, पहला पेज देखो आ गया रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग ले ऊपर से, नीचे से अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा राइट हैंड साइड से चढ़ा रहा है हमारे, उचका के दिए उसने, मैंने गया झोल के रखा बस अंदर की हल्की सी दिखाई, मुझे पता था जैसी पतंग मैं नीचे रखूँगा ना ये बंदा बाहर की खींचते हुए ले जाएगा, और हल्का सा अंदर का दिखाया पतंग उसकी कट के देखो वो जा रही है। अभी बहुत कम ही पतंगें आपको दिखेंगी क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, लेकिन मौसम अच्छा था तो हमने सोचा चलो यार अभी से पतंग उड़ाते हैं, देखो कैसे बढ़िया हवा है एकदम, और किसी उड़ाते हैं दिखाते हैं। एक और पेज रेड साइकिल की तो मेरी पतंग रही, आगे एक पतंग उड़ रही है, आया वो, अबे पतंगें बहुत हैं यार आगे, किसी और के उसमें ना फंस जाए मेरी पतंग कहीं, आगे यार 4-5 पतंग उड़ रही हैं और सब लड़ाना चाह रहा है मुझसे, तो पहले एक ये बीच में पतंग आ रही है पन्नी की, इसी को काटते हैं, ये खींचा, अबे नहीं नहीं डोर नहीं आई है, कहाँ गया वो, ये आया गया, रोक ली डोर नहीं मिली, अभी डोर नहीं मिली है खींचूंगा फिर से, ये अब खींचा देखो काट दी उसकी पतंग, उस समय डोर नहीं मिली थी क्योंकि मेरी डोर का झोल उड़ रहा था, मुझे लगा डोर मिल गई होगी, और पतंग एक और काट दी यहाँ पे, अब इधर से ये पतंग पतंगें देखो कट के आ रही है, एक पतंग अभी मेरे सर के ऊपर से लिख ली, वीडियो बनती लेकिन वो मैं पकड़ भी नहीं पाया और नई वीडियो में दिखा पाया, वो देखो वो कट गई, और काटी किसने थी ना जो अभी पतंग आई थी मेरे सर के ऊपर, ये जो पतंग रही ना पिंक कलर की यार, काफ़ी दूर से ये पतंग उड़ रही है और जो मेरे इधर से पतंगें पार हो रही ना मेरे आजू बाजू से ही है, उनकी पतंगें काट दे रहा है और सब कन्नों से काट रहा है,
ये बंदा देखो इसने बिच्छी बहुत लंबे बांधे, मेरी पतंग कहाँ है, मेरी पतंग ये खड़ी है आराम से। तो जैसे कोई लड़ाने वाला आता है उसको काटते हैं दिखाते हैं। तो रेड सर्किल मेरी पतंग गई, नीचे से एक पन्नी की उड़ रही है यार, पन्नी वालों ने बड़ा दुखी करा है। गया थपथपाई काट दी। अब भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये पेज अगर आप ना किसी सही बंदे से और कागज़ की पतंग से लड़ाओगे तो आपकी पतंग 100% कट जाएगी। मैंने क्या करा इसमें, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने बस पतंग नीचे बैठाई, थपथपाई, वो बेचारा खींच रहा था उसकी पतंग खुद ही कट गई। क्यों? क्योंकि पन्नी की पतंग थी। अगर इसी जगह कोई अच्छा बंदा होता, अच्छी पतंग होती तो मेरा पेज ही कटा हुआ था। तो एक और पतंग काट दी है फिलहाल पन्नी की। यार पन्नी वालों से मुझे बहुत नफरत हो गई, ये बीच में डाल देते हैं ये लोग। अब यहाँ पे एक और बंदा आया लड़ाने, ये चला मैं उसके ऊपर, रखी है मैंने। अरे यार देखो अब ये पतंग मेरी क्यों कटी, मैंने सब कुछ सही करा था, मैंने अंदर का रुख भी दिखाया, वो बाहर की खींच रहा था, लेकिन उस जगह मेरा झोल बन गया था। हवा देखो मेरे थोड़े लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रही थी और मैं राइट हैंड साइड की तरफ गया पूरा, तो मेरा जो झोल उड़ा ना, झोल में बिल्कुल ताकत नहीं होती है। तो झोल अगर आप सही भी पेड़ लड़ाओगे तब भी कभी कभार आपका वो भी कट जाता झोल भी। अब इस बंदे से बदला तो हमें लेना है, तो हमने यहाँ पे एक और पतंग अपनी पार कर ली है, और सेम बंदा जिसने अभी हमारी पतंग काटी थी, देखो रेड सर्किल मेरी थी ऊपर से, नीचे से अपोनेंट आ रखा है। एकदम नीचे नीचे करके आता है। आ जा बेटा तू नीचे ही आ जा, अगर कोई ऊपर नहीं आना तो उसे ऊपर बुलाओ, पतंग नीचे ले जाओ मत, जब नीचे नहीं जाओ खुद ही ऊपर आएगा। बाहर की खींचेगा पक्का, मुझे पता था ये यही करेगा। बाहर की भी नहीं खींची उसने, सीधी खींच दी और मैंने हल्का सा अंदर का गिरता हुआ मारा था। तो फाइनली पतंग काट दी इस बंदे की, बदला ले ली। अब मेरे सर के ऊपर यार क्लब काइट राइडिंग भी हो रही थी, तो हमने सोचा यार अपनी पतंगबाजी क्यों, क्लब वालों की पतंगबाजी भी देख लो आप लोग। तो जो राइट हैंड साइड से बंदा है वो ऊपर से, लेफ्ट हैंड साइड वाला बंदा नीचे से आ रखा है। तो देखो काफ़ी अंदर बढ़ गया है, ऊपर वाला हाथ की तरफ चलता हुआ, बना दिया, फिर बचा ली। बहुत पीछे से लड़ रहा है ये पेज, कम से कम 1000 मीटर पे लड़ रहा होगा इनका पेज, काफ़ी पीछे से पतंगें बढ़ के आ रही हैं और मेरे सर के ऊपर लड़ रही हैं। देखो दोबारा से पेज फिर आया यहाँ पे, नीचे ने पतंग उठाई, थपथपाई। अबे भाई क्या पेज काटा यार, उसका झोल ही काट दिया थपथपा के। देखो ऊपर वाला पतंग अपनी नीचे बैठा के उठा रहा था, नीचे वाले ने बस थपथपाई पतंग, 2-3 झटके मारो पतंग काट दिया यार, बढ़िया पेज काट दिया, मज़ा आ गया पेज देख के ये वाला। तो अब थोड़े बादल भाग गए, एकदम से धूप निकल आई है काफ़ी तेज। तो हमारी पतंग देखो रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी, नीचे से अपोनेंट आ रखा ब्लू सर्किल के अंदर, बाहर की खींची काटा। मुझे पता है सीधी खींचोगे ना, बाहर की जो भी खींचता, बाहर वाले मुड्डे में बहुत ताकत होती है, अगर आपने बाहर वाला मुड्डा जान से खींच दिया तो कम से कम 60-70% पेज तो आप वहीं पर ही काट दोगे। ऊपर के मुड्डा जो बाहर का खींचता है ना उसमें ताकत बहुत होती है यार, अगर आर पार का पेज लड़ रहा है तो। बड़ी जल्दी आ गई एक और पतंग लड़ ले, बैठाई। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा था मुझे खुद भी नहीं पता, मैं बता देता हूँ मैं क्या करना चाह रहा था। मैं यहाँ पे मुड्डा चेंज करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाया, पतंग एक ही रुख में निकल गई बाहर की और झोली काट दी उसने। तो यार पतंगबाजी देख लो आप एक बार, ये देखो पीछे से देखो क्लब फाइटिंग हो रही है मेरे ऊपर, मैंने आपको दिखाई दिया कितनी पतंगें तंगे लड़ रही हैं यहाँ पे। और इधर देखो मतलब एक पतंग लड़ती है तो 5 तो लपेटने वाले होंगे। ये देखो मेरे भाई, चारों तरफ जहाँ भी कैमरा घुमाऊंगा ना हर तरफ आपको पतंगे देखेंगे, दूर दूर तक बस पतंगे। इधर देखो सब जगह पतंगे। और बहुत जल्दी आपको काइट कैचिंग की वीडियो मिलने वाली है, उसमें क्या करूँगा पतंग काटूंगा और पतंग जो काटूंगा वही लपेट के आपको दिखाऊंगा। तो उस वीडियो का भी वेट करना है, एक दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।